एक जितना कमजोर होगा। दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। कौन होगा एक्शन डायरेक्टर? कौन करेगा स्टंट कोऑर्डिनेट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। And we are back with yet another amazing video, जिसका टाइटल आज होगा कि डबल बोनांजा। लेकिन किसका, तो वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। So friends, without any delay, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ लेकिन समझ में नहीं। सलमान का किक का ये डायलॉग कौन भूल सकता है? आजकल की मूवीज की बात करें तो इनमें एक्शन नेक्स्ट लेवल का होने लगा है, और इस वजह से पहले के मुकाबले आजकल एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर की डिमांड काफी बढ़ गई है। सलमान खान की अपकमिंग मूवी किक 2 में हमें एक्शन का बोनांजा देखने को मिलने वाला है, और हमें सलमान किक 2 के अंदर काफी खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जो बिना स्टंट कोऑर्डिनेटर और एक्शन डायरेक्टर के पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्शन डायरेक्टर की। किक मूवी में एक्शन डायरेक्टर का काम अनिल आरसू ने किया है। उन्होंने किक के बाद सलमान की सुल्तान में भी एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, और किक मूवी में स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम रमजान बुलुत, फिलिपी ग्यूगियन, जेम्स ओडोनेल, मैरिक सोलिक और आयन वान टेम्परेले ने किया है। इनमें से रमजान बलट ने किक के अलावा तानाजी दी अनसंग वॉरियर और रश जैसी मूवीज में भी स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम किया है। तो ये थी किक मूवी के एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर की। अब बात करते हैं किक 2 की, यानी किक 2 मूवी सलमान खान बहुत ही बड़े लेवल पर बनने वाली है, और इसीलिए ये हो सकता है कि किक 2 में हमें इंडिया और फॉरेन के बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर देखने को मिले। तो चलिए वर्ल्ड के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है गैरेथ एवांस का, जिन्होंने हॉलीवुड की द रेड 2, अपोस्टल जैसी फिल्म्स में एक्शन डायरेक्टर का काम किया है। इनके अलावा जॉक एरनहैन बाकी कई सारी हिट हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये तो बात हो गई फॉरेन डायरेक्टर की। अब आते हैं इंडिया के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर्स की, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है लक्षण चेला और राम चेला का, जिन्होंने पुष्पा और बागी 2 जैसी फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर का काम किया है। इनके अलावा श्याम कौशल भी एक्शन डायरेक्टर का काम कर सकते हैं, जिनको दंगल मूवी के लिए बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। अब आते हैं स्टंट कोऑर्डिनेटर पर, तो किक 2 में स्टंट्स को कोऑर्डिनेट दावे जज और प्रवेज शेख करेंगे, क्योंकि सलमान की ज्यादातर फिल्में जैसे कि सुल्तान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 में भी इन्होंने ही काम किया है। अब आपको क्या लगता है कैसा होगा इस बार फिल्म का एक्शन? क्या हमें इस बार कुछ डबल बोनांजा एक्शन का देखने को मिलेगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए बॉलीग्राड का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस बार सलमान की किक 2 फैंस का दिल जीत पाएगी या नहीं। आपसे मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।